मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडीही पंचायत ग्राम पिपिरा चौक के समीप एक दर्दनाक हादसा हो गया। ये हादसा मोटरसाइकिल और ट्रक के भिड़ने से हुआ, जिसके बाद घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोगों को इलाज के लिए सदर भेजा गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रांची रिम्स भेजा गया। बता दें, बाइक सवार लोग 25 दिसंबर यानी बड़े दिन के मौके पर खुशी मनाने जा रहे थे, लेकिन इस घटना से उनकी खुशी दुख में तब्दील हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी खबर जानने के लिए आइए रुख करते हैं सराजुद्दीन की इस रिपोर्ट की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड को जाम किया गया है, इस लेकर के कि आज ही एक डेढ़ घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का मौत हो चुका है और तीन व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। इसी से ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों ने इस गाड़ी को लगा दिया गया है और जिस जगह में घटना घटा है उस घटना से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ये गाड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि वहाँ जो है सो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना घटे 2.5 से 3 घंटा हो चुका है, इसके बावजूद ना ही प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुँचे ना ही अंचलाधिकारी पहुँचे। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सराजुद्दीन आर में भारत अभी हम हैं मरकच्चो पिपराडी चौक पर और पिपराडी चौक पर बुरा है, जहां लोग 25 दिसंबर के शुभ अवसर पर खुशी मना रहे हैं। वहीं गाँव में तब्दील हो चुका है। आइए हम जानते हैं के बारे में नवाडी के तरफ जा रहे थे, सही चीज़ सामने से धक्का मार दिया। मारने के बाद एक बच्चा हमारा बैडली स्पॉन्डेंट कर दिया, जो और है जो बैडली इंजोर्ड है और एक को सदर अस्पताल कोडरमा में इलाज के लिए रखा गया, लेकिन दो और हैं जिनको सदर अस्पताल में रांची के लिए रेफर कर दिया। और यहाँ के जो वीडियो और सीओ हैं ये कन्नी काटने की कोशिश में है। यहाँ के थाना प्रभारी सुबह से लगातार कोशिश में है कि इनको सरकारी व्यवस्था जो मिलना चाहिए मृतक के परिजनों को ये मिल जाए, लेकिन अभी तक किसी को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और हम सभी लोग ये ठान लिए हैं कि तब तक हम सारे लोग नहीं उठेंगे जब तक यहाँ पर परिजनों के लिए मृतकों के परिजनों के लिए समुचित सरकारी व्यवस्था नहीं मिलेगी।